उत्तराखंड में हाल ही में हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव लड़ा था और रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में उतारा भी गया था, लेकिन पार्टी को कोठियाल की छवि और केजरीवाल के दिल्ली मॉडल के नाम पर वोट हासिल नहीं हो सके, जिसके बाद अब रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे को लेकर भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में झूठ का पुलिंदा लेकर आई थी, इससे प्रभावित होकर कई लोग पार्टी से भी जुड़े, लेकिन अब सच्चाई पता चलने के बाद लोग वापस पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं कोठियाल के बीजेपी ज्वाइन करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये कोठियाल ही तय करेंगे कि उन्हें किस पार्टी में जाना है, लेकिन यदि कोई भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर भाजपा से जुड़ना चाहता है तो उसका पार्टी स्वागत करती है। पार्टी चाहे दिल्ली में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे पूरे देश के अंदर हो, वो एक झूठ का पुलिंदा लेकर के जनता के बीच में आई थी। धीरे धीरे जो उत्तराखंड के सजग लोग हैं, जो वहाँ उस झूठ के पुलिंदे से प्रभावित होकर के उनसे जुड़े थे, जब उनको वास्तविकता उनके सामने आई तो उन्होंने उससे त्यागपत्र दिया है। वो कहीं ना कहीं अच्छी पार्टियों से जुड़ेंगे और समय रहते उनको इस बात से वो आगाह हो गए कि ये वास्तव में झूठ का पुलिंदा है, तो ये अच्छा है। और कई इस्तीफे भी आपके लोग देंगे, देखिए वो तो वही बताएंगे कि उनको किसका दामन थामना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो भी व्यक्ति आएगा और हमारी रीति नीति को स्वीकार करेगा, हमारे सिद्धांतों को स्वीकार करेगा।